नमस्कार दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि YouTube पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना YouTube एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपके चैनल जिस भी ईमेल आईडी से है उस ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे देखिए आपके चैनल का लोगो दिखाई देगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे प्लस का निशान बना हुआ है, प्लस के निशान पे आपको टच कर देना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा अपलोड ए वीडियो। तो अपलोड ए वीडियो का ऑप्शन पे टच कर देना है। तो जैसे यहाँ पे हम टच करेंगे तो ये हमको गैलरी में ले जाएगा और गैलरी में ले जाने के बाद जो वीडियो आपको अपलोड करना है उस वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मुझे ये वाली वीडियो अपलोड करना है तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे इसको हम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो नेक्स्ट के ऑप्शन पे टच कर देना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको सिर्फ अपलोड के ऑप्शन पे टच कर देना है। तो जैसे हम अपलोड के ऑप्शन पे टच करेंगे ये यूट्यूब पे अपलोड होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही अपलोड हो जाता है उसके बाद हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो उसके बाद दोस्तों YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और वहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखिए हमने जो वीडियो अपलोड कर रखा है वो वीडियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसे टाइटल पे टच कर देना है। जैसे हम यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा और यहाँ पे देखिए पेंसिल का निशान बना हुआ है, पेंसिल के निशान पे टच कर देना है। तो जैसे हम पेंसिल निशान टच करेंगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वीडियो को जो टाइटल है वो यहाँ पे टाइटल हम दे देंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, विजिबिलिटी अभी अनलिस्टेड ही रहने देंगे, ऑडियंस यहाँ पे हम जो नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स को ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर लेना है और टैग कैटेगरी यहाँ पे जो आता है मोर ऑप्शन में टैग, यहाँ पे टैग और कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। तो सब कुछ मैं कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो वीडियो का टाइटल है वो टाइटल हमने यहाँ पर लिख दिया है, डिस्क्रिप्शन हमने लिख दिया है और वीडियो का जो SEO है कैसे करते हैं इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उसको आप देख लेना। उस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हम वीडियो का SEO बढ़िया से करते हैं। बाकी यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे हमने टाइटल लिख दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया और विजिबिलिटी अभी अनलिस्टेड रहने देते हैं, ऑडियंस हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हमको प्लेलिस्ट सेलेक्ट करना है तो प्लेलिस्ट के लिए इस पर टच करेंगे और यहाँ पे हमने जो भी प्लेलिस्ट बना रखा है उसको किसी एक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो जिस भी टाइप का आपका वीडियो है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके डन कर देना है। डन करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लेलिस्ट भी सेलेक्ट हो गया है। जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दोस्तों मैं अभी बताने वाला हूँ। मोर ऑप्शन पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको जो टैग है टैग यहाँ पर टाइप कर देना है। तो टैग चलिए मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कैटेगरी का। कैटेगरी पे देखिए जैसे हम टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए YouTube पे इतनी सारी कैटेगरी पे वीडियो आप बना सकते हैं और यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि आपने जो वीडियो बनाया है वो किस कैटेगरी का है उसको यहाँ सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए आपका वीडियो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है लेकिन आपने कॉमेडी सेलेक्ट करके उस पर अपलोड कर दिया है तो वो वीडियो कॉमेडी वाले के पास जाएगी जो कि उसको वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं तो वो वीडियो पर व्यू नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आपकी वीडियो कॉमेडी की है और आपने कॉमेडी सेलेक्ट करके उसको अपलोड किया है तो वो कॉमेडी वालों के पास ही जाएगा जिससे उस पर व्यू आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये वीडियो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है तो यहाँ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर टच कर देंगे और देखिए वहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर टच कर देंगे और यहाँ पे देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट हो गया है। तो दोस्तों वीडियो अपलोड करने से पहले या वीडियो को पब्लिक करने से पहले ये चीज़ जरूर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वीडियो के लिए। जो वीडियो को सही तरीके से अपलोड करने का तरीका है वो यही है, यहाँ पे आपको वो चीज़ सेलेक्ट कर लेना है जिस भी टाइप का जिस भी कैटेगरी का आपका वीडियो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद तब जाके इसको सेव करना है। जैसे हम यहाँ पे सेव कर देंगे तो वीडियो हमारे अनलिस्टेड में सेव हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों वीडियो को पब्लिक